हे गाइस, मेरा नाम है मृन्मय। आप देख रहे हैं टेक पोस्टमार्टम। आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कर रहा हूँ एक MI पावर बैंक। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से 819 रुपीस से परचेस किया। चलिए इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं डिटेल्स में कुछ दिनों यूज़ करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ इसके बारे में कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, चार्ज बैकअप एंड इज इट वर्थ बाइंग इन दिस प्राइस सेगमेंट। चलिए आज की ऑपरेशन शुरू किया जाए। सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से लगाता हूँ एक कार्ट और इधर से लगाता हूँ एक कार्ट। चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं, देखता हूँ इसका अंदर क्या क्या निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अंदर और एक भी पैकेज देखने को मिलता है। दिस इज द पावर बैंक इट्सेल्फ। इसके अलावा इसके अंदर शायद एक पावर चार्जिंग केबल होगा। ये एक माइक्रो USB टू फुल साइज USB चार्जिंग केबल है, जिसको चार्जिंग के लिए काम में लिया जाएगा। इसको रखता हूँ साइड में और देखता हूँ इस प्लास्टिक रैप को हटा देता हूँ। ये पावर बैंक ब्लैक कलर में आता है और व्हाइट और रेड कलर में भी आता है। मैंने ब्लैक कलर परचेस किया। देखने में काफ़ी अच्छा एंड प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे MI की एक ब्रांडिंग दिया हुआ है। पीछे की तरफ यहाँ पे 10,000 mAh मेंशन किया गया है और बहुत सारे डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 USB पोर्ट, एक माइक्रो USB पोर्ट और एक पावर स्विच देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे LED नोटिफिकेशन इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, जो बैटरी लेवल को चेक करता है। इसका जो पावर बटन है, ये बहुत अच्छा टैक्टाइल फीडबैक देता है। इसको मैं एक बार स्मार्टफोन के साथ लगा के देखता हूँ चार्ज होता है कि नहीं। इनपुट ओह, इट्स वर्किंग। यहाँ पे चार्ज हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी पावर सप्लाई की, तो यहाँ पे 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर पावर सप्लाई मिल जाता है। अगर बात करते हैं इसके आउटपुट पावर की, तो 5.1 वोल्ट 2.4 एम्पियर, 9 वोल्ट 1.66 एम्पियर, 12 वोल्ट 1.25 एम्पियर की मिल जाता है। इसका जो अदर फीचर्स है, इसका अंदर है चार्जिंग टाइम 5.83 आवर्स इनपुट 5 वोल्ट 2 एम्पियर के साथ, और 4.25 आवर्स इनपुट 15 वाट मैक्सिमम चार्ज के साथ। इसमें डुअल USB इनपुट देखने को मिल जाता है। 2 क्विक वे चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। और सबसे ख़ास बात यह है, ये 9 लेयर सर्किट चिप्स से बना हुआ है। अगर बात करते हो इसकी रियल टाइम परफॉर्मेंस की, तो मैंने 3000 mAh की एक स्मार्टफोन को 3 टाइम्स बहुत अच्छा से चार्ज कर पाया, और 3500 mAh की स्मार्टफोन को 2 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर पाया। अगर मैं बात करता हूँ इसकी कॉन्स की, तो यहाँ पे कोई USB टाइप सी पोर्ट नहीं देखने को मिलता है। अगर बात करते हो इसके प्राइस के हिसाब से, तो यहाँ पे बहुत ठीक ठाक ही लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं टाइप सी स्मार्टफोन्स के साथ ये पावर बैंक यूज़ करोगे, तो इसलिए आपको डिफ़ॉल्ट टाइप सी केबल यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आगे चल के ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ एंड अनबॉक्सिंग देखने को मिले। और मैं इसके अलावा बहुत सारे टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारे टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो लेके आते रहता हूँ और आते भी रहूँगा।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।